तू देख ले पहले क्या किया होगा। कुछ भी नहीं किया पहले तू ही देख ले। मैंने बताया नहीं था थायराइड हो गया मोटी हो रही मेरी भी। तो जी जहाँ से पिछला व्लॉग एंड किया था वहीं से इस व्लॉग की शुरुआत करते हुए फिर से स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। तो बस अब नहाने की तैयारी है। पिछले व्लॉग में भी मैंने आपको बताया ही था कि यार फंक्शन में जाना है तो अब लेट हो गए हैं क्योंकि व्लॉग मेरा अब कंप्लीट हुआ नहीं था ना एडिट हुआ था, तो मुझे ये था कि यार निकलने से पहले फटाफट से एडिट भी कर दूं और अपलोड पे भी लगा दूं ताकि ये वाला जो व्लॉग है मैं आज के आज ही स्टार्ट करना चाहता था जो कि मैंने कर दिया है। तो बाकी तो अब कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं क्या है क्या नहीं हो सकता है कि वो आपको इस व्लॉग के टाइटल से और थंबनेल से शायद पता चल जाए क्योंकि अभी तो मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया हुआ कि इस व्लॉग का टाइटल होगा क्या, उधर जाके व्लॉग में बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा अभी मैंने कुछ नहीं सोचा हुआ। बस ये है कि मेरे को इतना पता है कि मैंने अभी जाना है और मैंने व्लॉग ये वाला शुरुआत कर दी। मैंने जाने लगा था एकदम से मेरे को याद आया कि कपड़े तो मैंने अभी तक अपने सोचे ही नहीं कि मैंने पहनना क्या है, पगड़ी कौन सी पहननी है। फटाफट से ये ब्लेजर निकाला मैंने, ब्लेजर तो चलो अभी इससे स्टीम आयन हो जाएगा प्रॉपर, लेकिन अब पंगा पता क्या पड़ गया, इसके साथ ट्राउजर जो मैं डालता था वो ट्राउजर हो गई है टाइट। तो अब छोटे भाई को भेजा मैंने, मैं कहा भाई देख मेरे को लेकर जाना है क्योंकि थोड़ा सा बता देता हूँ उसके इन लॉज के वहीं का फंक्शन है कोई, तो मैं कहा तूने मेरे को लेकर जाना है तो फटाफट जा और मेरे लिए जाके ट्राउजर लेकर आए या ये ऑल्टर करा या जो मर्जी कर। तो अब गए आप देखते हैं आता है तो पहले अब तब तक ना। चलो जी अब तैयार श्यार हो गया निकल चुके हैं, अब कहाँ जा रहे हैं वो ये पीछे तो मैडम बैठी है यही बताएगी। फंक्शन में जा रहे हैं इतना तो मैं देख बता चुका हूँ, पर अब किसका फंक्शन है क्या है वो तू ही बता। सिर्फ मदर इन लॉ और इसकी सिस्टर कौन थी जिसने मेरा नाम किया हुआ खराब, दीपक। अब ट्रैफिक वगैरह बहुत ज़्यादा था इसलिए ज़्यादा वीडियो अभी हम नहीं बना रहे क्योंकि शादियों का सीज़न चल रहा है तो आपको भी पता है कि ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा। तो अब वहाँ पहुँचेंगे, उधर पहुँचने के बाद ही फिर अब ब्लॉग बनाएंगे, बाकी रास्ते में जब मौका मिलेगा तो बना लेंगे। हाँ ट्रैफिक दिखाएंगे, भाई रहने दे चले जा वापस चले जा, टाइम है तेरे पास अभी, उतर चुका है तो रथ से गया गया भाई, अब तू नहीं बचता भाई, है ही नहीं गया गया गया। चलो जी पहुंच गया बैंक्वेट और पता है इस बैंक्वेट में एक क्या खासियत है, अभी इधर पहुंच के पता चला है ये वही बैंक्वेट है जहाँ पे भाई की शादी हुई थी और कल उसकी एनिवर्सरी भी है और लगा लो कि यहीं शादी हुई थी और यहीं पे हम आए हैं। पहले अंदर चल के बाद में मैं यहाँ पे ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ, चक्कर पता है क्या है अंदर वही बात है कि म्यूजिक बहुत चल रहा है किसी से मिल भी नहीं पाए अभी तक, अब देखते हैं। गोल्डन जुबली ना थोड़ा गोल्डन वाला क्राउड है। हाँ ये भी बात है। उसे कितने जा रहे हो? रेस्टरूम मैं ज़्यादा हो बहुत ज़्यादा पापा ज़्यादा हो गए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ना आज वाला सीन है ही नहीं है, दारू है ही नहीं तो इसलिए वो जान के पंगे ले रहे हैं, कह रहे ज़्यादा हो गई है ज़्यादा। और फिर टाइम आया केक कटिंग सेरेमनी का, और जी ओकेजन कुछ भी हो एक डांस परफॉर्मेंस तो बनता है। मैं अभी तक व्लॉग नहीं बना पाया तो खाना खाई जा, खाने लेके भी फोटो बनाऊंगी अब और क्या, खा खा खा। करण भैया की वीडियो पसंद अगर आती है तो लाइक करो शेयर करो कमेंट करो, हिट द बेल आइकन। ओ ये रील बन रही है ओए एक साल पहले जब इनकी शादी में थे हमने ये वाला देखा ही नहीं था, है ना, हम इस साइड आए नहीं थे, हमारी वैसे ही इतनी बैंड बजी पड़ी थी। हम इस साइड आए नहीं है। तू स्टेज से ही नहीं नीचे उतरी होगी, मुझे तो
किसी ने नचवाया भी नहीं। अच्छा भाभी से इंट्रोड्यूस तो करवा दे, ये तो अभी तक आए नहीं आज तक वीडियो में। ये है मेरी भाभी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, नमस्ते आदाब। और फिर आप देख रहे हो वीडियो पूरी? मैं पूरी वीडियो देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबको देखते हो? He's my favorite guy. किसी ने नोएडा में प्रॉपर्टी वगैरह लेनी हो, क्या नाम है? कॉन्टैक्ट करे मीनाक्षी गिल। नहीं उधर ऑफिस का आपके MCM, पर हमने नंबर मेंशन नहीं करना। नहीं नहीं नंबर मेंशन, लोग छेड़ने लग जाएंगे। वही तो यूएसपी है। अब मैं जल्दी भाभी के साथ जाऊंगा उधर आपके ऑफिस ना, कह रहा हूँ नोएडा इनके पास जाऊंगा ऑफिस में, इनके जितने भी प्रोजेक्ट वगैरह हैं कोशिश करूंगा पूरा कैप्चर करने। पूरा कैप्चर करना है और हम जल्दी आ रहे हैं आपसे मिलने। ठीक है, इनसे मिलने, मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ, आप इनसे मिलने। मिलने मिलाने का खेल चलता रहेगा, जरूरी है। चलो चले फिर, अब खाना वाना खा लिया था मैंने, बीवी खा लिया खाना, इसके दांत से भी पता चल रहा है कि खा लिया। उधर फंक्शन से तो निकल चुके हैं, अब ये ना फ्लावर शॉप मिली थी, फ्लावर शॉप भी क्या मतलब, छोटी सी फ्लावर शॉप है, छोटी बड़ी से मतलब नहीं होता। अब मेरी बीवी का एकदम से दिमाग चला, कह रही कि भाई तुम्हारे भाई की पहली एनिवर्सरी है, थोड़ा उनका रूम वगैरह डेकोरेशन वगैरह कर देते हैं। तो अब ये पागल है ना, ये चीज़ पहले बोल रही थी बढ़िया से कर देते हैं, ये लेट हो गई। तो बस अब टाइम तो है, हाँ फ्लावर पेटल्स वगैरह मिल गए हैं थोड़े, और छोटा सा बुके एक ले लिया। तो बस अब जाते हैं, रस्ते में मैं अभी केक देखता हूँ 24/7 से, कहीं ना कहीं से तो केक मिल ही जाएगा। और हमारे निकलने का, जल्दी निकलने का मतलब इसलिए था वहाँ से क्योंकि उसके इन लॉज वगैरह सारे वहाँ पे थे, तो हमें था कि चलो यार उनको अपना टाइम थोड़ा सा स्पेंड करना चाहिए इन लॉज के साथ, इसलिए हम निकल गए। क्योंकि हम तो अपना एंजॉय कर ही लेंगे उनके साथ, आना तो हमारे पास ही है, तो जब आएंगे फिर उनके साथ एंजॉय करते रहेंगे हम भी। अब फटाफट घर पहुँचते हैं। यानी 50 रुपये कम नहीं करना भाई, गलत बात है यार, अब तू यूट्यूब में आएगा। चलो जी, ये तो बंदा फोन दन पेटल आए थे कि ऑनलाइन क्या ऑर्डर करना, मुझे पता था कीर्ति नगर में है तो ले आते, पर अब ये तो बंद है, तो फिर अब चलो, अब कोई बात नहीं, घर चलते हैं। घर तो चल ही रहे हैं, तो फिर अब केक लेना है, क्या करना कि सुबह काटना? सुबह कहाँ काटेंगे, अभी काटेंगे, अभी काटेंगे। तो देखते हैं, छोटा सा केक ले लेते हैं कोई ना कोई, है ना। चलो ठीक है। अब जी रात के 12:30 बजे केक तो और कहीं से मिल नहीं रहा था, हैवमोर से ये कसाटा आइसक्रीम वाला केक मिला छोटा सा, तो फिर मैंने कहा चलो कुछ तो मिला कुछ ना से, ओह हिल गया, मुझे लग रहा है वीडियो बनाने के चक्कर में केक का हो गया कांड। इससे पहले गालियां पड़े मैं चुपचाप इसको फ्रिज में रख दूँ और मैं निकल दूँ। चलो जी, अब ये जितने भी हमें रोज़ पेटल मिले थे, थोड़ा बहुत हमने जो कर सकते थे कर दिया, बुके हमने वहाँ रख दिया है, ये मेरी बीवी ने हार्ट बनाया है, और R फॉर रमन, P फॉर प्रीति, रमन प्रीति, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड बीबी वेरी गुड। ये कोई आपको नज़र आ रहा है? ये पता नहीं कौन है हमारे घर में, लाइट ऑन करता हूँ अभी, रुको ज़रा। ये माता जी हैं एक्चुअली, वो दोनों अभी तक आए नहीं है जिनकी एनिवर्सरी है। नहीं आए हैं? तो दरवाज़ा, मेरी गल सुनो, दरवाज़ा खोल के देख लो, यहाँ से नज़र आ रहा है ना। मम्मी वेट कर रही है क्योंकि एक बजने वाले हैं, वो अभी तक आए नहीं, कह रहे हैं जल्दी से केक काटे और सोए। हेलो हेलो, नया शादीशुदा जोड़ा, कांग्रेचुलेशन। गिफ्ट मिला, गिफ्ट लेके आए, गिफ्ट लेके रहे हो, क्या बात है। चलो क्या ये क्या, हेलो, ये क्या की हो, क्या की हो? एकदम से इसका दिमाग चला है यार, फूल वाला दिख गया, फूल
अब इससे पहले कि ये केक हमारा मेल्ट हो जाए, क्योंकि ये केक कम है आइसक्रीम ज्यादा है। कॉन्ग्रेचुलेशन, पहली एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। ओ गिर गया केक टूट गया, केक टूट गया। थैंक यू। अभी हम पापा को कैप्चर कर नहीं सकते क्योंकि रेडी नहीं है अभी। पापा हैं प्रवीण राव। रेडी नहीं है पापा अभी। 2 मिनट का समय लीजिए। बहुत ठंडा आइसक्रीम है ना। थैंक यू। पापा को इसलिए अभी वीडियो में ले सकते हैं क्योंकि अभी वो रेडी नहीं है। फंक्शन से आते ही वो चेंज कर लिया। पर ये केक बहुत स्वाद लग रहा है। पापा ये लेके कल इनको उधर का पसंद आ गया था, ये पसंद आ गया। दिखाओ 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 अपनी माता को। नाइस 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 नाइस। ये तेरी मम्मा ने दिया ना। अब इसको आधा ही ले लेता हूँ क्योंकि इसने भी अब पगड़ी उतार दी है। ये भी इसका पति भी कह रहा है, कहता मेरी रिंग का।